आखिरकार कौन है मुख्तार अंसारी? फिलहाल देश की अलग अलग अदालतों हत्या, हत्या की कोशिश, हथियारबंद तरीके दंगे भड़काना, अपराधिक साजिश रचना, धमकियां देना, जायदाद हड़प्पण, धोखाधड़ी, बीजेपी पार्टी के विधायक कृष्णानंद की हत्या समेत मुख्तार अंसारी के 16 होर गंभीर मामले दर्ज ने जिन्हां ते मतलब मुकदमा चल रहा है। इन्हां मुकदमे दे नाल जारी रहा मुख्तार अंसारी का चुनाव जितने का सिलसिला। 1996 बहुजन समाज पार्टी की टिकट जीत के पहली बार विधानसभा पहुंचे से मुख्तार अंसारी, जिस तों बाद 2002, 2007, 2012 ते 2017 विच भी मऊ विच जीत हासिल की सी। इन्हां चों जिहड़े आखिरी तीन चुनाव से वह मुख्तार अंसारी ने देश की अलग अलग जेलों से बैठ के वह लड़े से ते उन्हां च जीत हासिल की सी। मुख्तार अंसारी ने जिहड़े जिंदगी नाल मतलब उस नाल जुड़े अहम तीन पन्ने ने जिन्हां चों एक गाजीपुर पहले पन्ने च आंदा है अफीम IAS अफसर इको वार च पैदा करने वाला यानी कि गाजीपुर। 80 से 90 के दशक में ब्रजेश सिंह ते मुख्तार अंसारी का इतिहासिक गैंगवार गाजीपुर से शुरू होया सी। 8% तो 10% तक मुसलमान आबादी वाले गाजीपुर च हमेशा तो ही अंसारी परिवार हिंदू वोट बैंक के आधार पर चुनाव जितता रहा। तो दूजे पन्ने चाहता है अंसारी परिवार गाजीपुर च पहले राजनीतिक तौर पर पहचान बनाने वाले अंसारी परिवार इस जिले के इस दे मतलब नाल जिहड़े जुड़े ने विरोध भी वह भी सिलसिले नाल अगे वधदे गए। बीते कई सालों तो जेल में बंद अंसारी के दादा जी देश आज़ादी के संघर्ष गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुख्तार अंसारी के जिहड़े नाना ब्रिगेडियर मुहम्मद उस्मान जिहड़े 1947 की लड़ाई च शहादत लई उन्होंने कि महावीर चक्कर नाल नवाजा गया। गाजीपुर च साफ सुथरी छवि रखने वाले ते कम्यूनिस्ट बैकग्राउंड तो आने वाले मुख्तार दे पिता सुबहानुल्ला अंसारी जो कि स्थानक राजनीति नाल सक्रिय सन, भारत जिहड़े उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते च मुख्तार अंसारी दे चाचा जी ने। मुख्तार अंसारी दा जिहड़ा वड्डा भरा है अफजाल अंसारी उसने गाजीपुर च मोहम्मदाबाद विधानसभा च लगातार 5 वार यानी कि 1985 तो 1996 तक वो विधायक रह चुके हैं। तो 2004 गाजीपुर से उसने संसद का भी चुनाव जितया। मुख्तार अंसारी जिहड़ा दूजा भरा सिबगतुल्ला अंसारी जो 2007 ते 2012 जिहड़ा चुनाव उन्हें जितया सी मोहम्मदाबाद तो ही उत्थे मतलब विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के दो मुंडे ने, वड्डा मुंडा अब्बास अंसारी जो कि शॉट गन शूटिंग का चैंपियन रह चुके हैं। 2017 चुनाव च मऊ जिले तो गोसी विधानसभा सीट तो अब्बास ने बसपा सीट तो पहला चुनाव लड़िया सी पर उसनु हार का सामना करना पिया सी। मुख्तार का छोटा बेटा है उमर अंसारी जिसने भारत तो बाहर अपनी पढ़ाई की ते वो भी पहली बार राजनीति च आया। मुख्तार अंसारी का तीजा पन्ना है कृष्णानंद राय 1985 तो अंसारी परिवार के कोल रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट यानी कि 17 साल बाद 2002 के चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद ने तो खो ली सी जो कि मुख्तार अंसारी पसंद नहीं आई। 3 साल बाद कृष्णानंद की हत्या करवा दी गई। पूर्वांचल च अग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबर में मौके वारदात जो कवर कर गए थे वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह ने दसिया कि उ 500 तो वध राउंड उत्थे गोलियां चलाईयां गईयां सी AK-47 जदों यह गल है 29 नवंबर 2005 की जदों कृष्णानंद अपने काफले नाल घर वापस आ रहे थे किसी प्रोग्राम तो अगे कई लोग उन्हां दी हत्या लई बैठे हुए थे। जदों अपने काफले नाल जगह ते पहुँचते ने तो अन्नेवार गोलीबारी कर दिती गई। कृष्णानंद नाल उस समय 6 लोग होर भी मौजूद सी कार विच ते उन्हां सारे दी उत्थे ही मौत हो गई सी। तो जिहड़ा सारा आरोप सी हत्याकांड जिहड़ा सारा आरोप लग्या वह लग्या मुख्तार अंसारी ते। हुण गल आपां कर रहे हां राजनीति दी। मुख्तार अंसारी बसपा तो शुरू करन दे नाल निर्दलीय दे तौर ते चुनाव उन्होंने लड़िया सी ते 2012 विच परिवारिक पार्टी यानी कि कौमी एकता दल तो खड़े हुए ते 2017 विच पार्टी बसपा च शामिल होए।
ਤੇ ਕਦੀ ਅਨਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਅਨਸਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਸਪਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਚ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ। ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਸਦੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਉਸ 'ਚ ਫਿਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਊ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, 3 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।